उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी में हुआ गैंगवार, आपसी रंजिश में दो बदमाशों की गोली मारकर की गई हत्या, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। पूर्वी दिल्ली में भी डॉक्टर्स ने किया हड़ताल, सख्त कानून बनाने की उठाई मांग, कहा डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए करें जाए इंतजाम। शिक्षा समिति के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हुए रिपीट, राजकुमार बल्लन अध्यक्ष और शशि चंदन बनी उपाध्यक्ष, कहा अधूरे रह गए कामों को करेंगे पूरा। कृष्णानगर मार्केट में लोगों को नहीं मिलती चलने की जगह, जनता ने कहा छुट्टी वाले दिन खोले दुकान तो किए जाए चालान। और विश्वास नगर में महीने भर से टूटी हुई है पुलिया, रोजाना फंस जाती है कई गाड़ियां, शिकायत देने के बाद भी नहीं होती है कोई सुनवाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। उत्तरी पूर्व दिल्ली में गैंगवार की घटना सामने आई है। नंद नगरी के हर्ष विहार में दो आरोपियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों की पहचान खुरवेश पहलवान और कांची के तौर पर हुई है, जिनमें खुरवेश और कांची का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। शुक्रवार दोपहर 12 बजे करीबी दोनों मुंशी मार्केट गाड़ी से ठीक कराकर आ रहे थे, इसी बीच उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। खुरवेश और कांची नंद नगरी इलाके में रहते हैं और दोनों पर कई आपराधिक मामले चल रहे थे। उनकी हत्या को आपसी गैंगवार का नतीजा समझा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों पर हमले से देश भर के डॉक्टर में रोष देखने को मिला। दिल्ली के एम्स समेत देश के भर के सरकारी और निजी डॉक्टर्स ने शुक्रवार को हड़ताल की है। पूर्वी दिल्ली के भी सभी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने सेफ्टी के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों का साथ दिया है। हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, डॉक्टरों के साथ मारपीट करने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए, एक अलग कानून बनाया जाना चाहिए। हालांकि अस्पताल में नोटिस लगे होते हैं कि डॉक्टर्स के साथ हाथापाई करने वालों पर एक्शन होगा, लेकिन इसका लोगों पर कोई असर नहीं होता। वहीं पूर्व दिल्ली के डॉक्टर्स का कहना है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी इन डॉक्टर्स से ऐसा करा रही है, उन्होंने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के साथ जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो गलत है और जिस तरह से ममता बनर्जी डॉक्टरों पर आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर डॉक्टर ये स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। देखिए, अगर डॉक्टर ही सेफ नहीं है तो वो मरीज को कैसे सेफ करेगा। तो हमारा ये कैंपेन है सेफ द सेवियर, और आज पूरे देश में जगह जगह खासतौर से इमरजेंसी एरिया, मेटर्निटी एरिया, आईसीयू में एरिया है, और जहाँ भी सीरियस मरीज आते हैं या कोई अनफॉर्चुनेट डेथ होती है, वहाँ पर वायलेंस बहुत कॉमन हो गया। इतना है कि हर 4 डॉक्टरों में 3 डॉक्टर ने कभी ना कभी वायलेंस को सहन किया है, चाहे वो वर्बल वायलेंस हो या अब्यूज़ हो, चाहे मारपिटाई हो। और अब तो ये बंगाल में ये हालत हो गई कि सर फोड़ दिया, स्कल फ्रैक्चर हो गया, मरीज़ को मर्डरस असॉल्ट हो गया डॉक्टर कोई कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे पहले अवेयरनेस पब्लिक को जानने की ज़रूरत है। अगर डॉक्टर्स को वो अगर सेव नहीं करेंगे तो आगे डॉक्टर बनने बंद हो जाएंगे, और ये डॉक्टर को इनको काम किस तरह करेंगे। अगर मैं डॉक्टर हूँ और मेरे को ये डर है कि आगे आने वाला मरीज़ मेरे को मार सकता है, तो मैं किस तरह से उसका इलाज करूँगा। तो ममता बनर्जी ने जो ये बात कही है, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, ये अटैक हमारा केवल इस अटैक के प्रति नहीं, इस तरह के होने वाले हर अटैक के प्रति रोष रहा है। और पहले भी इस तरह के हमारे जो संगठन ने, जो IMA ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर रोष प्रकट किया है, इसी प्रकार स्ट्राइक भी की हैं। तो ये ममता बनर्जी का ये कहना बिल्कुल गलत है कि BJP या कोई पार्टी इससे करा रही है। देखिए, डॉक्टर एक डॉक्टर होता है, उसका किसी पॉलिटिकल पर्सनल लेवल पे किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो सकता है कोई एफिलिएशन हो, परंतु एज ए डॉक्टर वो कभी ना तो मरीज में भेदभाव करता है ना पॉलिटिकल पार्टी में भेदभाव करता है। तो ममता बनर्जी जी को अगर इसमें पॉलिटिक्स नज़र आ रही है तो ये अभी हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नहीं, इस तरीके के केसेस को रोकने का एक ही तरीका है, क्योंकि भीड़ को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक तो हॉस्पिटल में सब जगह इस पर्पज़ के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, कुछ स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए उनको। दूसरा सबसे बड़ा तरीका है कि इसके लिए कानून बनाया जाए और इसे इम्प्लीमेंट भी किया जाए। खाली कानून बनाने से भी काम नहीं चलेगा, कह देना कि हम ये करेंगे ऐसा करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा।
जब तक कि कानून नहीं बनेगा, क्योंकि कानून ही एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों के मन में डर पैदा होगा, और जब लोगों के मन में डर पैदा होगा तभी वो गलत काम करने से पीछे हटेंगे। मेरे हिसाब से कानून के अलावा और कोई तरीका नहीं। अवेयरनेस की भी कमी है, साथ में साथ अटेंडेंट जो होते हैं वो पैनिक होते हैं। जैसे हम लोग सही भी वर्क कर रहे हैं, सही भी चीज़ें समझा रहे हैं उन्हें कि नहीं इस वर्क में मान लीजिए कोई पेशेंट आ रहा है कार्डियक अरेस्ट में आ रहा है या कार्डियक पेन से आ रहा है, तो उसे मैं हम समझा रहे हैं कि नहीं इसमें कार्डियक प्रॉब्लम है, हम इनको सर्वाइव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं कि नहीं हम इनको मतलब इनके जान के साथ खेल रहे हैं, वो ज़बरदस्ती हमारे साथ मतलब बदतमीजी सारी चीज़ें वो करना शुरू करते हैं, तोड़ फोड़ अस्पताल में ये सब चीज़ें स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। जो हमें सुरक्षा इसमें चाहिए वो मतलब सरकार की तरफ से भी चाहिए और इसमें, ताकि ये वर्क हम पब्लिक को अच्छे से अच्छे सेवा दे सकें। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए मंगलवार को चुनाव हुआ है, जिसके बाद पार्षद राजकुमार बल्लन को चेयरमैन और शशि चांदना को डिप्टी चेयरमैन बनाया गया है। नियुक्ति के बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि स्कूलों में बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा और साथ ही साथ अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। पिछले वर्ष जिस तरह का प्रशासनिक सहयोग और पॉलिटिकल विंग से निवर्तमान महापौर स्थायी समिति अध्यक्ष का जो सहयोग रहा, इसी तरह उन सबका सहयोग लेते हुए वर्तमान में जो स्मार्ट क्लास का जो काम शुरू किया गया उसको और सीसीटीवी कैमरे के काम को प्राथमिकता देते हुए उसको आगे बढ़ाना है। सर्वप्रथम उसी को लेकर जो भी तमाम आर्थिक विषमताओं के बावजूद जो भी बजट एलोकेट हुआ उसकी प्रॉपर एलोकेशन करके किस हेड में कितना क्या करना है, उसी क्षमताओं का प्रयोग करके अच्छे से उस चीज़ों को आगे बढ़ाना है। अपने को स्पोर्ट्स स्कूल्स की भी चीज़ों को आगे बढ़ाना है जो दिलशाद कॉलोनी में है, अपने को सारी चीज़ें ऑनलाइन करनी है, या ट्रांसफ़र पोस्टिंग जितनी भी है उन सबको ऑनलाइन करके आगे को असुविधा ना हो किसी अध्यापक को, यहाँ सारी चीज़ें हेडक्वार्टर से टाइम टू टाइम हो जाए, उस MIS सिस्टम को सुदृढ़ करना है और जितनी भी चीज़ें पीछे रुकी हुई हैं विशेष रूप से CCTV कैमरे को आगे बढ़ा के चलते। देखिए जो पीछे हमारी कमियां रह गई हैं बजट के हिसाब से हम अपनी उन कमियों को अपने अध्यक्ष के सामने रखेंगे और ज़्यादा जो पहले की कमियां हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करेंगे। यही सोचेंगे जो बजट है हमारे पास जितना, उसके अलावा जो और भी काम है उन जो काम ज़्यादा नहीं है उनको नहीं, जो ज़्यादा होने वाले हैं उनको पहले करेंगे। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर मार्केट से रोजाना गुजरने वाले लोगों का कहना है कि मार्केट में पैदल चलने की जगह नहीं मिलती है, कई बार यहां जाम लग जाता है, कई बार तो स्कूल जाने में बच्चों को देरी हो जाती है, बाजार में जाम लगने से कई बार एम्बुलेंस फंस जाती है, छुट्टी के दिन भी मार्केट में हालात में कोई सुधार नहीं आता है। क्वार्टर में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है एनक्रोचमेंट की, इतना एनक्रोचमेंट है यहाँ पे कि आप टू व्हीलर तक नहीं निकाल सकते। पैदल चलने का तो स्पेस ही नहीं है, लोगों ने अपनी दुकान के आगे 12-12 फुट तक एनक्रोचमेंट करी हुई है जिससे आदमी को चलने में बहुत जो है असुविधा होती है। दूसरी चीज 6x8 की इनकी दुकानें हैं, 6x8 की दुकानों में इन्होंने इतनी डमियां रखी हुई है कि वो डमियां जब बाहर निकाल के रखते हैं ये तो वो सारी सड़क भर जाती है। अगर वो डमियां ये अपनी दुकान में रख ले तो ये खुद नहीं बैठ सकते दुकान के अंदर, और अगर किसी दिन किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए एमरजेंसी हो जाए तो वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकता। और जितना भी लोग हैं इनको इन लोगों को जो एनक्रोचमेंट कर रहे हैं इन दुकानदारों के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाना चाहिए, प्रशासन को जो है इनका ही चालान करना चाहिए कि वो अपनी दुकान के आगे रेडी पटरी क्यों लगवा रहे हैं। अब खबर पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर से है, जहां पुलिया के टूटे होने से लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पुलिया को टूटे काफी समय हो गया है पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, वहीं टूटी पुलिया की वजह से लोगों को बाजार जाने में तमाम परेशानी हो रही है। लोगों का आरोप है कि वो विधायक और पार्षद से शिकायत कर चुके हैं पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिया टूटी पड़ी है, कई बार इसमें गाड़ियां फंस जाती हैं। लगभग एक महीना होने जा रहा है, 2-4 दिन कम होंगे या ऊपर भी हो सकते हैं, और रोज नए हादसे होते हैं यहाँ। कई बार स्कूटी वाला गिर जाता है, कई बार रिक्शे वाला गिर जाता है, 2-3 बंदे गिर भी चुके हैं इस नाले के अंदर। दूसरी बात ये है कि कई बार लड़ाई होती है यहाँ, किसके लिए कि भाई पहले मैं लिख लूँगा, सबको जल्दी होती है। आज के समय में सभी इंसान भगने के चक्कर में लग रहा है कि मैं पहले, तो कई बार ये इतना ड्रामा होता है कि लड़ाइयाँ भी होती हैं एक इस चीज़ की वजह से, और ये मुद्दा तो वो दिन से रहा है। देखो सर, कम से कम 15-20 दिन हो चुके हैं और हर टाइम यहाँ पे जो भी गाड़ी गुजरती है बेचारी जो नए गाँव से होते हैं वो उनका पहिया आए दिन नाले के अंदर चला जाता है। इसकी कोई सुविधा नहीं हो रही है और इसे खोद के बस चले गए।
इसकी शिकायत तो बहुत करी भैया, इसमें बच्चे गिर जाते हैं, गाड़ी रोज गिर जाती है, कोई गिर जाए तो लड़ाई वड़ाई भी हो जाती है। एक महीना हो गया, महीने के बाद कल मारुति वाला भी जो पलट गई थी, फिर आज जो ना आज 10 लड़के जो ले जाके उसको फिर धक्का मार के निकाले हैं। जनानी की तो रिक्शा वाला भी पलट गया था, जनानी पत्थर में जो गिर गया था, बहुत परेशानी है। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार इलाके की एक फेडरेशन के लोगों ने मेयर अंजू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान लोगों ने हाउस टैक्स की कंफ्यूजन को मेयर के सामने रखा। लोगों ने कहा कि हमारे इलाके की पार्षद हाउस टैक्स कैंप लगा रही हैं, ऐसे में हमारे सामने कंफ्यूजन है कि हम पुराने दरों से टैक्स भरें या बड़ा हुआ टैक्स दें। वहीं मेयर का कहना है कि रिबेट लागू होने में 2 महीने भी लग सकते हैं, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 31 जुलाई टैक्स भरने पर रिबेट मिलेगी। देखिए, जैसे कि अभी पिछले हाउस में हमने ये तय हुआ था कि जो बढ़ी हुई रेट के जो टैक्स आए हैं वो उनको हम ना करके जो पुरानी रेट के जो टैक्स हैं उन पर हम ये लेंगे टैक्स, और ये 1 जून से 30 जून तक होता था, इसको बढ़ाकर हमने 1 जून से 30 जुलाई तक किया है। देखिए, इसको होने में भी और समय लगेगा, क्योंकि जो रेट जो बढ़े हैं उसको उसकी दर कम करवाने के लिए भी इस पर बात चल रही है, अभी कुछ ऐसा तय नहीं हुआ है, तो जैसे ही तय होता है हम इसको आपको बता दिया जाए। बढ़ी हुई दर से तो मेरा तो यही कहना है कि बढ़ी हुई दर से तो हम पुराने रेट पर ही टैक्स ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बढ़ी हुई दरों पर ये दे रहे हैं, नहीं, अगर बढ़ी हुई दरों पर रेट मतलब जमा हो रहे हैं टैक्स तो वो ना कराएं, क्योंकि हमारा तो तय ये मतलब हम ये तय करना चाह रहे हैं कि वो पुराने रेट पर ही टैक्स में। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जमुना पार की जनता को ये आगाह करना चाहता हूँ कि बिल्कुल पैनिक में ना आए, टैक्स जमा कराने में, प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने में कोई जल्दबाजी ना करें। जैसे पिछले 3-4 वर्षों से हम हर बार पुरानी दरों पर टैक्स लेते हैं, रिबेट की डेट को बढ़ाते हैं, वो इस बार भी बढ़ाई जाएगी क्योंकि हम प्रयासरत हैं और वो बढ़ेगी ही। लेकिन जिनको असुविधा हो रही है, वो बढ़ी हुई दरों पे टैक्स जमा कराना चाहते हैं, वो जमा कराने के लिए स्वतंत्र हैं, उनको बाद में कोई रिफंड नहीं मिल पाएगा, पर जो रिबेट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो इंतज़ार करें। हमने अपने अपने लोगों को ये बताया कि वेट करो थोड़ा सा और उसके बाद नेक्स्ट मंथ के अंदर ये इसका कब फैसला हो जाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कैब होल्ड कर दिए। हमने लोगों से ये भी कहा कि आप कैब जमा कर दीजिए, जिसको अपना कर डायरेक्टली कर दो, कैब मत होल्ड करो, एरिए के अंदर हमारी कैटेगरी जो है वो डी में ही होनी चाहिए, क्या क्या कारण है उनको भी बताया था। हमको सिर्फ नगर पार्षद से शिकायत है कि वो कैंप बढ़े हुए रेट पे क्यों लगा रही हैं। इस विषय में हमने ज्वाइंट असेसर हेडक्वार्टर से भी बात करी है, भाई आप जो है पुरानी दरों पे रेट ले लो, अगर मान लो तुम्हारा रेजोल्यूशन पास नहीं होता है हम डिफरेंस देने को तैयार हैं। क्यों वो लोगों का नुकसान चाहते हैं, क्यों नहीं सब कुछ अपने फेडरेशन लेवल के ऊपर बात करती है, क्यों नहीं वो जो है अपने सोसाइटियों से बात करती है, वो बगैर किसी से सलाह के अपनी मर्जी से काम कर रही है, ये तानाशाही और कुछ नहीं है। अब खबर पूर्वी दिल्ली के दामोदर पार्क से है, जहां सड़क पूरी टूटी पड़ी है। लोगों का कहना है कि पिछले सालों से पूरी दिल्ली का विकास हो गया मगर इस सड़क की रिपेयरिंग नहीं हो पाई। लोगों का कहना है कि सड़क के टूटे होने से धूल उड़ती है, जिससे आसपास से जा रहे लोगों को सांस लेने में तमाम परेशानियाँ होती हैं। वहीं लोगों का कहना है कि सड़क के टूटे होने से कई बार हादसे हो चुके हैं, पर प्रशासन आंख बंद करके बैठा है। वो समस्या तो होती है, बच्चों का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है कि ठोकर लग जाए, गिर जाए, बच्चे कोई बहुत हो जाए। ये तो कम से कम 5-6 साल तो होता ही है, बरसात में तो आने जाने का रास्ता ही बंद हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पूरा मतलब पानी भर जाता है, कीचड़ कीचड़ हो जाता है। दिक्कत तो है ही, बारिश के मौसम में और भी दिक्कत होती होगी। प्रॉब्लम तो है ही सर, सोकर लीक हो गया, ये देखो ना बाइक का सोकर लीक हो गया। अभी तो ये मतलब पड़ गया, बहुत गंदा रोड था जी, बहुत ही, हाँ निकलना दूर था निकलना। कोई देखने आया इस रोड? अरे कौन देखने आया, ये तो जब से स्टार्ट हुआ जब से ये है अभी तक पैदा से ये रोड बना ही नहीं है। बारिश आता है तो पैर धस जाते हैं आदमी के, ना गाड़ी चल सकती है, ना ऑटो चल सकता है, ना पैदल आदमी चलना मुश्किल है। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।